Hey guys, it's Jannat. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइज वी आर ह्यूज आतिफ असलम फैंस एंड मुझे याद है कि छोटे होते हम उसके गाने इतने ज्यादा सुनते थे. वी यूज टू मिक्स आवर ओन सीरीज बैक देन एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, उसके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो हम रिएक्ट करने वाले हैं फाइनली कोक स्टूडियो. लेट्स बिगिन. क्या चीज है इंस्ट्रूमेंट. हुई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वो ही खुदा है वो ही खुदा है वो ही चला रहा है वही खुदा है वही तो है जो निजाम हस्ती चला
दे वाला आले ही वसहब ही वसल्लम अल्लाहुमा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले ही वसहब ही वसल्लम। बहुत सही। आतिफ असलम की बात जो है वो तो है, वो तो हमें पता ही है, ह्यूज फैंस बहुत बचपन से लेके अभी तक। पर ये जो पूरी टीम होती है इनकी, मतलब आर्टिस्ट की जो बजा रहे हैं प्रॉपर, जो बैकग्राउंड में गा रहे हैं, क्या इनका तालमेल, मतलब मजा आ गया। मतलब तो एंडेवर देख उन लोगों का कि कोक स्टूडियो बेसिकली आप द बेस्ट ऑफ एवरीबॉडी यू ब्रॉट टुगेदर। और मतलब वो फोर बैकग्राउंड सिंगर्स जो फीमेल थी, जब वो पीछे से गाती थी तो गाना इतना इनहांस हो रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक सोलफुल म्यूजिक होता है ना, जो जो मतलब आपकी सोल को जाके टच करता है। तो मेरे को ये कोक स्टूडियो पे तो मतलब मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज आ रही थी, इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स थी और हर पॉइंट पे एक एक सुन रहा था। मतलब इतना मार्वेलस जिसको बोलते हैं, सबकी परफॉर्मेंस, एक एक बंदे की परफॉर्मेंस। एंड आतिफ असलम को तो भाई, तो मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ। So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it. And if you did, तो वीडियो को लाइक कर दो, उस पर कमेंट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.